कलयुग खत्म हो गया क्या भाई? नहीं, कुछ तो हुआ है कल। बादल जमीन निकल गए, तालाब का पानी सूख गया, रातों रात पर्वत गायब हो गए। नहीं, कुछ तो हुआ है कल भूकंप के बाद। ये क्या है? नहीं, इससे रियलिस्टिक मैच तो कोई मिल गया। मैं जादू ने ऋतिक को खिलवा दिया था, वो तो हम फिर भी मान गए थे कि चलो बंदे उड़ रहे हैं, पर पाकिस्तान 400 रन का टारगेट चेस कर रहा है। कल की बिरयानी अभी भी पाकिस्तान फैंस के पेट में फंसी हुई है, वो नहीं पचा पा रहे भाई जो इन्होंने कल अद्भुत दृश्य देख लिया। उसके बाद कल इन्होंने जो देखा उसके बाद एक दूसरे को थप्पड़ी मार रहे हैं, कहीं सपना तो नहीं। और वैसे भी यार, अगर कल पाकिस्तान टारगेट चेस नहीं करती तो लॉर्ड बाउमा की बेइज्जती हो जाती। पाकिस्तान को खुद लॉर्ड बाउमा आकर अपॉर्चुनिटी दिए थे न्यूजीलैंड को एक बड़े मार्जिन से हराकर, और सारी टीमों को टेम्बू भाई ने बोल दिया था कचरा भी सेमीफाइनल खेलेगा। फक्कू भाई, क्या है ये? इन्होंने लग रहा है बेंच पर बैठे बैठे प्रोटीन ही खाया भाई इतने दिन। पक्कू भाई, पाकिस्तान को आदत नहीं ऐसे जीतने की, थोड़ा समझो बात को। ऐसे 155 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम को T20 में भी सपने में नहीं आता है। न्यूजीलैंड वाले भी सोच में पड़ गए कि यार मैच तो पाकिस्तान से था, ये वेस्ट इंडीज कहां से आ गई। हार्दिक भाई, पाकिस्तान के ओपनर्स पर पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक गए। एक ये बंदा है जो सीधा टीम से बाहर हो गया, और दूसरे फक्कू भाई हैं जिनमें न जाने कौन सी आत्मा आ गई भाई, ये पूरे सठिया ही गए। हार्दिक भाई, रूल्ड आउट होने से पहले मंत्र तो बता जाते कौन सा था। सेमीफाइनल से पहले डिकॉक और रचिन पर काम आता। खैर, अगर किसी ने फक्कू भाई से अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो वो एक ही आदमी था, लेफ्ट आर्म लंगड़ा ओवर दी विकेट भाई। भाई की सेंचुरी मिस हो गई यार। जो मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई के हाथ लगाए ना तो बाबू भाई की। ए इंस्पेक्टर, समझा देता हूँ तुझे मैं। तू क्या समझेगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। अलग ही रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे थे कल तो। 2:21 पर हैरिस रॉफ ने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान का सबसे कुटाव बॉलर होने का, और ठीक 2:38 पर सोफा भाई ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए हैरिस रॉफ की। उन्होंने बोला यार मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, और ठीक 2:38 पर शाहीन भाई बन गए सबसे कुटाव बॉलर पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में। मथुरा वृंदावन होटल पे भैया दोनों भाइयों ने शेरपाल ने जोपाल ने 40 रोटी इतना था, ये टोटल 80 रोटी। देख रहे हो, रिकॉर्ड बनाने में सालों लग जाते हैं, पर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाना मिनटों का खेल है, मिनटों का। हसन अली भाई भी अपनी मूंछों पर ताव देने लगे। जब बाकी के दोनों बॉलर्स थग्गू हो तो आप बिना कुछ करे भी स्टार बन जाते हो भाई। कसम से, पाकिस्तान को मैच जिताने से आसान है मार्स पर जाकर जिंदगी जीना। एक तो तुम्हारी टट्टी बॉलिंग, ऊपर से बाबर आजम का हग्गू स्ट्राइक रेट, छक्के मारते मारते हमारी तो गांड लाल हो गई भाई जान, तब जाके एक मैच जिता पाए हैं पाकिस्तान को। यार फकर जमान पर दया तो आई मेरे को, पर कुछ भी बोलो, बाबर आजम जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा था ना अपनी हाफ सेंचुरी तक, फकर जमान भाई एक छक्का इसके पिछवाड़े में दे देना था बीच इनिंग्स में। रचिन रविंद्र ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई, यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 500 रन इन वर्ल्ड कप। ये और क्विंटन डिकॉक कुछ अलग ही फॉर्म में चल। शाहीन अफरीदी, बड़े खतरनाक लोग हैं, न्यूजीलैंड का बोल के हांगकांग के प्लेयर से मार खिला देते। सोफा भाई के साथ अच्छा नहीं हो रहा, सोफा भाई की 100 भी मिस हो गई यार। डरो मत पाकिस्तान, मैं सिर्फ इंडिया को ही बाहर करता हूँ, ये भी अलग ही आदमी है भाई, थंब इंजर्ड होने के बाद भी 95 रन और ऐसे डाइव मार रहा था। बाबर आजम बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, गेट वेल सून केन विलियमसन, गरीबों की दुआ काम आ गई। ये बाबर भाई यार दिन भर सबको गेट वेल सून, ये टाइम भी चला जाएगा यही सब बोलते रहते और खुद का फॉर्म खराब कर लेते। नंबर 1 बॉलर इन रैंकिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस। शाहीन भाई पाकिस्तान तो चले जाएंगे बट एक चीज इंडिया छोड़ जाएंगे, ओडीआई रैंकिंग। क्विंटन डिकॉक 545 रन्स, रचिन 523 रन्स, हैरिस रॉफ 469 रन्स। हैरिस भाई अलग रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। पकड़ टू बाबर, चल बे चल, सिंगल डबल का टाइम नहीं। बाबर भाई की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई, 400 का टारगेट है और 80 के स्ट्राइक रेट से आराम आराम से खेले जा रहे थे, वो तो लास्ट में एक छक्का और एक चौका मारा तब जाके स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर हुआ। फकर जमान घबरा गया कि इसके रहते मैं तो नहीं जीता पाऊंगा। केन विलियमसन 95, रचिन 108, हैरिस रॉफ, हैरिस भाई का हैरेसमेंट हो रहा है। 2:21 पर हैरिस रॉफ ने मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल डाला था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, और 2:38 पे शाहीन अफरीदी ने डाल दिया मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल। ऐसा कंपटीशन होना चाहिए भाईजान। अरे भाईजान, कंपटीशन विकेट्स के लिए करना था, रन्स के लिए नहीं। एग्जैक्टली भाई, खुदा कसम हमारे पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है भाई, हमारे पास शार्दुल ठाकुर बेंच पे बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो ले लो, वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप तो तोड़ देंगे कम से कम। हाईएस्ट रन स्कोरर बनेगा, हाईएस्ट रन स्कोरर
बाबर आजम को जैसे ही टारगेट 300 के ऊपर जाने लगता है इनका बीपी बढ़ जाता है, बोलते भाई इतने स्ट्राइक रेट से खेलना हमें तो नहीं आता। थर्ड वर्ल्ड कप सेंचुरी बाय रचिन रविंद्र, जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना जिंदा तो हैरी श्रॉफ भी है। हैरी श्रॉफ को पेलने लग गया आजकल लोग। टोटल सिक्सेस इन ओडीआई करियर 58, टोटल सिक्सेस इन 2023 56। शर्मा जी की बात ही अलग है ब्रो। सचिन 523 रन्स इन वर्ल्ड कप 1996, रचिन 523 रन्स इन वर्ल्ड कप 2023। इसका नाम मम्मी पापा ने सचिन और राहुल द्रविड़ पे क्या रख दिया, भाई ने सीरियसली ले लिया। अफगानिस्तान को टॉप फोर में एंटर करवा के इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल करवा दूं तो मोजे आ जाएंगे मोजे। 2019 में रचिन रविंद्र ने वर्ल्ड कप बाहर से देखा था बेंगलुरु में, और 2023 में खुद वर्ल्ड कप खेल लिया। वैसे तो यार मैंने भी जैकलीन फर्नांडिस की मर्डर मूवी देखी थी 2019 में, पर 2023 कौन बोला भाईचारा। चीको भैया ने 95 मारे तो हम कैसे 100 कर सकते हैं, एक सेंचुरी तो हम भी डिजर्व करते हैं यार। 3 सेंचुरीज मिस हो गई कल, सबसे डिजर्विंग थी शाहीन भाई की। साला आईसीसी मेरे को बिना स्विंग वाली बॉल दिया। ये हसन राजा ने जब से स्टेटमेंट दिया ना पाकिस्तान का मजाक बना के रख दिया इन्हें। लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। इफ्तिकार चचा ये वो वाला है जब केन विलियमसन रनआउट होते होते बचे थे और इफ्तिकार चाचा ने खुद ही घोषणा कर दी थी आउट है आउट है आउट है, 50 लोगों को बोल दिया था आउट है पर आउट नहीं था। ये मैंने वीडियो टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहां जाके देखना, बहुत फनी है। सचिन तेरा परफॉर्मेंस देख के आईपीएल फ्रेंचाइजी पागल हो गए हैं, ऑक्शन में देखना चाहते हैं तुझे। ये तो पक्का बिकने वाला है भाई। आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग, ओहो भाई पाकिस्तान वाले खुश जरूर हो जाएंगे फोटो को देख के। केन विलियमसन के पीछे खड़े हैं, जॉस बटलर के पीछे कौन खड़ा था, अफगानिस्तान वाले, और साउथ अफ्रीका के पीछे कौन खड़ा था, नीदरलैंड्स वाले, समझ रहे हो। पाकिस्तान टीम स्टिल इन द रेस, पेट्रोल खत्म होने ही वाला है पर अभी हम रेस में बरकरार हैं। हसन राजा बीसीसीआई ने स्पेशल बैट दिया विलियमसन और रचिन को, ये भी बोल सकता है भाई, इसका माथा घुमेला। आफ्टर न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान गेम न्यूजीलैंड नेट रन रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 0.4 टू 0.59, पाकिस्तान नेट रन रेट डिक्रीजेस, पाकिस्तान भी लाइक मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं भाई, ये नेट 100 जीतने के बाद भी बढ़ जाता है कि ये क्या सीन है यार। बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी सीता भाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना, स्टेक का लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है, चेकआउट जरूर करना।